के वहां समान भाव से विराजमान है तो वे प्रेम से मिलते हैं। शिव जी कहते इस बात को मैं जानता हूं। शिव जी नहीं जाना तो कोई जाने। महात्मा को महात्मा जाना किसे, उसके संकेत से हंसा समाता है। बाजीगर के बंदर का उदाहरण दे तो घटता नहीं। क्यों नहीं घटता कि बाजीगर का बंदर नाचता तो है पर इतनी उसमें थोड़ी प्रसन्नता थोड़ी। हम कठपुतली का दृष्टांत देते हैं तो वो इसमें नहीं घटता क्योंकि कठपुतली नाचे तो सूत्र धारणा चारा जी नहीं है किंतु उसमें प्रसन्नता थोड़ी। वो तो जड़ है, उसमें मन बुद्धि तो है। किसी भी चीज का उदाहरण जो संसार के मां जड़ पदार्थ के मां है ही नहीं जिसको देख करके समझाया जा सकता, वो तो खुद ही वही उदाहरण है। जैसे ऐसी अवस्था हुआ जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुआ जब मेरा बात घटे वो खुद ही उदाहरण है। या इस प्रकार के जो भगत है उसकी जीवन भगवान जो ऐसे प्रेमी भक्तों से जो छिपकर रहते हैं वो भी उनके हित के लिए उनमें टाल बनाने के बाद जब उनके वहां टाल बन जाती है प्रेम बन जाता है तो छिपक नहीं रह सकते। तो उसको वे खोज निकालते भगवान कभी कभी सखियों के बीच के वहां सखी को घेस कर करके आ जाता छिप करके आ जाता कोई पहचान नहीं सके पर उनके बीच के वहां उस तत्व जानने वाली जो सखियां पहचान लेती बोले ये तो सखी के सखा है। उनके सामने भगवान कैसे छिप सकते हैं जो भगवान के तत्व को जाने रहस्य को जाने सर्वत्र भगवान ने देखे भगवान को स्वरूप को अनुभव जावे उससे फिर भगवान नहीं छिप। यूं पश्यति सर्वत्र सर्वंत मई पश्यति और तस्यां न प्रणश्यामी सत्य मेरे न प्रणश्यति जो मुझको सब जगह देखता है सबको मुझे देखता उस समय कभी अलग नहीं होता वो मेरे से कभी अलग नहीं होता। उसके लिए मतलब अदृश्य नहीं होता है वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। फिर वो सब सभी के मन जो कुछ वो आपने करता है वो उसका करना मेरे में एक प्रकार से रमण है सर
संयोमं भजति एकत्व वास्तव सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयी वर्तते। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 और 31 भगवान कहते हैं सारे भूतों के मां मैं स्थित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के मुझ में तन्मय होकर के और मेरे स्वरूप का जो अनुभव करता है वह तो संसार के वहां बरतता हुआ भी मेरे में बरतता है, वह तो मेरे में क्रीड़ा करता है, मेरे में वह रमन करता है। उसकी दृष्टि के वहां मेरे सवाल कोई वस्तु नहीं, दूसरों की दृष्टि में चाहे वह संसार में ही रमन करो, वह कंजर कामनी में चाहे रमन करता हुआ दिखो, किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तो यही अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि मेरे में ही रमन करता है। भगवान से वो एक क्षण दूर नहीं रह सकता, भगवान से एक क्षण दूर नहीं रह सकता। ये जो बतला कि तद बीस समय में परम व्यापुलता ये साधन होता है, इससे नीचे की दर्दी कि जिसके वियोग के जिसके साध्य के हृदय में परम व्याकुलता आ जाती है, वह तो कहता हूं कि परम व्याकुलता तो तमाम वियोग है, उसका वियोग होता ही वियोग तो साधन काल में होता है। हाँ वो वियोग भी एक प्रकार से संयोग से बढ़कर के सुख देने वाला है। वियोग के वक्त का जो दूसरे प्रकार का ही आनंद आता है, रस आता है, उसे योग अवस्था के मां अपने प्रेमी का ध्यान बढ़ा रहता है, उसको भूल नहीं सकता। और कोई वक्त के मां ऐसी अवस्था हो जावे मन भूल जावे तो एकदम व्याकुल हो जाए, उसमें व्याकुलता परम व्याकुलता। विवेक की व्याकुलता की बात कही आप, जहां प्रत्यक्ष जो मिलन है वहां की तो बात ही है। प्रथम भगवान से जो मिलन होता है भी शुरू का मिलना हो, ये भगवान श्री राम का श्री कृष्ण का श्री विष्णु का एक ही बात। तो इतना आश्रय जो होता है कि वो एक प्रकार से किसी सीमा नहीं की थी, वो कहां मैं कहां भगवान क्या देख रहा हूं, भगवान मेरे से मिल रही आनंद समाता है। फिर उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता उस भगवान का, तो फिर वहां स्तुति प्रार्थना लज्जा मान भय सब के समाप्त हो जाए। पर कहीं स्तुति प्रार्थना देखने में आती है ना, वो स्तुति करता है तो उतने अंश के बीच में परमात्मा को यथार्थ जानने में पहचानने में कमी है। स्तुति किसकी कौन करे क्यों करे, कौन करे किसकी करे क्यों करे, जब परमात्मा को यथार्थ जान लिया तो स्तुति को साधन अवस्था में गुणगान का नाम स्तुति है। स्तुति तो एक प्रकार की प्रशासन है, फिर वहां कुशम कौन करे क्यों करे किस लिए करे, सब ये बात समाप्त हो। प्रार्थना ना है किसी भगवान से मांगना, कुछ बाकी नहीं रहता मांगे क्या,
जहाँ कमी होती है वहीं मांगना बनता है। और आदर सत्कार मान होता है जहाँ बड़ा छोटा हो, जहाँ एक ही हो फिर आदर सत्कार पूर्ण किसका करे। और भय वहां होता है कि जहाँ उससे कोई अनिष्ट की संभावना, अनिष्ट का तो नाम निस्तार नहीं, फिर भय किसका। और लज्जा होती है कि उसमें जो प्रभाव अपने आप की किसी मनुष्य को भी लज्जा होती नहीं, तो ये सब समाप्त हो गया। देखने के दो हैं और वस्तु से एक ही। महात्माओं के विषय की थाने और भी जोरदार बात सुना। जैसे कोई मिनिस्टर हुए या कलेक्टर हुए, तो उसके मन की बात की तरफ आप ध्यान रखना कि कलेक्टर साहब क्या राजी हो और मिनिस्टर साहब क्या राजी रहे। बड़े दिन आजकल आने की तैयारी है, तो बड़े दिन के ऊपर उन्होंने डाली दे वहां, तो के चीज की डाली दे। उन्होंने का बालक है कि वहीं की स्त्रियां है, तो मैं के पास में कोई ऐसी आप चीज पूछा वहां कि जो बा पसंद की हुए, तो उनके आसपास वाले आदमियों से अपन समझा कि कलेक्टर साहब जो है, मिनिस्टर साहब जो है, मेम साहब जो है, इनके कौन सी बात की आवश्यकता है, ये कौन सी बात में ज्यादा पसंद कर है, तो वही चीज बढ़ापा पूछा बदान खुश करने के लिए। इसी तरह कोई महात्मा जो पुरुष है जी का किस बात से राजी है, यो पतो लगा करके बनाने पर खुश करने की चेष्टा करा। तो वे मिनिस्टर ने राज्य करने की अपेक्षा यह ज्यादा महत्व की चीज है, क्योंकि वे राजी हुए तो समझो कि आपने रुपया पैदा करा दे 1000-2000 या और क्या कर सके। भगवान की तो प्राप्ति करा ही नहीं सके, कोई बंग आत्म मुक्ति तो है ही नहीं। तो बंक मन के अनुसार, बंक सिद्धांत के अनुसार आप
एक बस से व्यवहार करने की चेष्टा करा। इस प्रकार से तीन महात्माओं का जो सिद्धांत है, वहां को जो हृदय को भाव है, उसकी माफक आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। और वे लोग यदि कोई अपना संकेत कर दे तो अपने मन में यह आवे कि भी ये संकेत कर दियो आपने पर अंकी बड़ी दया है, यह चीज अंक घरे पूछा, बाकी अस्त्री ने राजी करना चाहो, बाकी लड़का ने राजी करना चाहो, अपन देखा अंकी अस्त्री राजी होगी, मेम साहब राजी हो गया तो अपनो काम बन गए, आपका लड़का राजी हो गया तो अपनो काम बन गए। आप यूं समझा कि भगवान का भक्त जो है, महात्मा है, राजी हो गया तो ये भगवान का लड़का ही है, तो ये राजी हो गया तो भगवान राजी हो गया। आपके दिल की बात आप कर दी तो भगवान की दिल की बात कर दी। वास्तव में विचार करके देखो तो ये दृष्टांत भी बहुत एक तो नीचे है, अरे एक बराबर को नहीं है, क्यों कहां तो भगवान और कहां समझो कि राजा महाराज, कहां मिनिस्टर और कलेक्टर, तो उन्होंने आप राजी करने का वास्ते तो प्रयत्न करा, ऐसा प्रयत्न भगवान ने खुश करने का वास्ते आप करा तो कितनी आनंद की बात है। तो महात्मा की जो रुख है और उसकी वहां पर आपनों जीवन बना ले वहां तो समझो आपनों जीवन सफल हो गए। और मैं आज्ञा की आप प्रतीक्षा करा कि भाई उन्हें की आज्ञा मिल गई, प्रतीक्षा करते करते तो बस आप तो मनुष्य जीवन ही ऐसा सफल हो, और उसको जितना अपन ज्यादा मूल्य देवा उतने ही आपनों दर्जो ऊंचो है, उतने आप भगवान के नजदीक पहुंचा। एक भगवान को भगत है और भगवान के मां थोड़ो प्रेम बढ़ने के उद्देश्य से अरे वो आप सर्वस्व अर्पण कर दियो, तो सर्वस्व अर्पण करने से मैंने थोड़ो भगवान में प्रेम बढ़ो तो बोले कि आपने बहुत लाभ हुआ, आप बहुत जीत में रहा। क्यों भगवान को प्रेम आपने एक मिथ्या चीज के अर्पण करने से मिल गये हो तो यह तो चीज कोई मूल्यवान नहीं फालतू है, पर भगवान को प्रेम असली है। तो झूठी चीज के अर्पण करने से सच्ची चीज आपने मिले तो कितना लाभ की बात है। इसी प्रकार से आपने जो रुपया है, धन है, एक मकान है, एक चीज है, जो सर्वस्व देने पर भी और भगवान के 16 प्रेम के बीच में एकान भी प्रेम आपने मिल गयो तो आपने बहुत नफ है, बहुत लाभ हो। इसलिए एक एक आने की पूर्ति कर 16 का मन सब भगवान ने खरीद लिया फिर आप। किसी महात्मा की सेवा बन गई, एक आज्ञा को पालन हो, और वह सेवा आज्ञा के पालन से थी अपने मन के बीच में प्रसन्नता हुई, तो बात तो दानी चीज है। आज्ञा को पालन तो आप करो, उनकी सेवा भी करी,
ने मैंने आप परिश्रम समझ करके करो तो महता की चीज तो नहीं है, किंतु कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही। आप समझो कि एक प्रकार से मन में भार समझ करके करो तो भी पाप नहीं, किंतु वो अल्प ही लाभ। आप भार समझ करके सेवा करी, भार समझ करके आज्ञा को पालन करो, अपने मन के विपरीत समझ करके भी मन में एक प्रकार से वह चीज भारी लागी, पर करी महात्मा के कहने को बुझ भी तो मन में भी अपना नुकसान नहीं है, लाभ ही। मैं से ज्यादा लाभ है कि मन ने भारी लागने की तो कोई बात ही नहीं है, अपने चित्त में प्रसन्नता ही हुई तो वह विशेष लाभ की चीज है। उससे भी ज्यादा लाभ की चीज है वह प्रसन्नता को फिर अलग अलग दर्जो, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि आप हृदय प्रफुल्लित हो, कि अपना हो भाग्य है कि एक आपने स्त्री काम आज बनती माय। उससे भी और ज्यादा लाभ है कि केवल हृदय प्रफुल्लित नहीं, रोमांच होने लगे। उससे भी और ज्यादा लाभ है, रोमांच नहीं, श्रद्धा प्रेम के कारण से एक प्रकार से आंखों में आंसू आने लग गया और मंत्र मुग्ध की माँ बकापा एकदम मुग्ध हो गया। तो आज्ञा पालन के समय में और उनकी सेवा करने के समय में जितनी अधिक से अधिक अपनी भावना होगी, अधिक से अधिक अपने उनके वहां श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, उतना अधिक से अधिक प्रसन्नता, शांति, आनंद, आम उदर, प्रमोदर, आह्लाद ये अधिक होगा। अरे जितना अधिक हो उतना ही जल्दी से जल्दी भगवान मिले। तो ये जो मूल्य है वो मूल्य को आंकड़ों तो अपने भाव पर ही निर्भर है। अपनों बहुत ऊंचे दर्जे को भाव हो जावे तो फिर भगवान तो मिनटों में मिल जाए। एक कहानी है कि एक भगवान को भक्त थो और जंगल के मारे करके वो तपस्या कर रहा थो और ईश्वर को भजन और ध्यान कर। एक दिन उस रास्ते से जाता जाता उसको आश्रम आ गए हो नारजी जो है सो जा रहा था तो रास्ते में वे भगत को अपने आश्रम आ गयो। भगत एक पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके के तब कर तो भजन ध्यान कर तो नारद जी आया तो उनकी सेवा खूब प्रेम से करी। पूछो महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो वैकुंठ जा रहा हूं भगवान के परम धाम। बड़ी अच्छी बात है। तो आप बैठे जाओ वैकुंठ में तो
एक मारो भी एक संदेशो है भगवान के पास, बोलो बोलो कि भगवान ने यह बात पूछी हमारी तरफ से कि वो थारी भक्ति करे है, तो मैंने कब आपका दर्शन होगा, होगा या नहीं, बोले भी पूछ देना। नारद जी गया, बड़े प्रेम से बातचीत हुई, फिर बोले नारद जी कहां से आ रहे हो, बोले फलाने भक्त के आश्रम से आ रहे हो, वो अच्छा आपका भक्त है और जो आदमी जाता है तो उसकी सेवा करता है खूब, अतिथि सत्कार करता है, बड़ा प्रेमी है, प्रेम से करता है और आपका भजन ध्यान करता है और वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करता है, आप तो सब जानते ही हो। बोले हाँ भाई जानते। तो एक बात उसने पूछी कि मन में कब दर्शन होगा आप, तो भगवान सिर्फ धुन को बोला भाई उसको तो दर्शन होने में बहुत विलंब। बोले महाराज कितना वर्षा को विलंब है, उस पिपड़ के जितना पत्ता है इतना वर्षा हो, इस प्रकार की जो तपस्या है भजन ध्यान करते रहोगे तो मेरा दर्शन होगा इतना वर्षा के बाद। तो नारद जी को माथो थिन के और बोले बाप रे बाप, इतना वर्षा जीवे न जीवे, बहुत वर्ष की बात कही आप, क्या उपाय। नारद जी लौट कर आया, फिर आता हुआ ठहरा, रस्ते में पड़े हो महाराज बैकुंठ जाया, बोले जाया भगवान मिले थे, बोले हाँ हमारी भी बात चली गई और चली, तो हमारे भी सब क्या क्या दर्शन हुआ कि नहीं, तो सिर धुलो, बोले सिर क्यों महाराज को नहीं हो क्या, अरे बोला होगा तो सही, तो कब होगा कि इस पीपल के जितने पत्ते हैं इतना वर्षा के बाद, यह बात भगवान आपके मुख से कही, बोले हाँ मेरे जैसे में भी भगवान का दर्शन होगा, बोले भगवान कही के होगा पर इतना वर्षा के बाद, बोले कभी हो पर दर्शन तो भगवान का होगा ना, दर्शन तो होगा, आप उसके आनंद को ठिकाना नहीं, एकदम मुग्ध हो जाओ, उसी वक्त के वहां बस नाचन लागे, और मैं को प्रेम देकर के नारद जी भी नाचने लगा, दोनों मिलकर के भगवान को आपने समझो कि नृत्य आपने कीर्तन इस सब प्रेम से करने लगा कि उनको अपना आपका होश ही नहीं रहा, इतने भगवान आ गए, भगवान आ गए तो होश भाई वो भगवान आ गए। तो नारद जी ने कहा महाराज आपने तो यह बात कही थी इस पिंपल के जितने पत्ते इतने वर्षों के बाद मैं दर्शन दूंगा और आप तो एक प्रकार से तुरंत ही दर्शन दे दिया, ये क्या बात, आप तो मिथ्या बोलते नहीं, तो फिर यह बात कैसे हुई। बोले नारद जी मिथ्या नहीं, तो तूने पूछा कि जिस प्रकार की वो भक्ति करता है उसमें कितना समय लगेगा, तो उस प्रकार की जो भक्ति और तपस्या है उसका, उसके लिए तो मैंने जो बात की तो ठीक ही थी, किंतु अब तो इसका भाव बदल गया ना, अब देखो इसके प्रेम की तरफ तो तुम ख्याल करो, भाव की तरफ तो ख्याल करो। हाँ महाराज का प्रेम और भाव तो एक अलौकिक हो गया, देखो तुम्हारे पर भी इसका असर पड़ गया कि तुम भी एकदम आपने प्रेम में मुग्ध होकर के नाच में गाने लगे, तो मैं कैसे ठह सकता हूं, तो मैं इनका नाचना गाना प्रेम का जो है मेरा जो भजन और कीर्तन प्रेम से जो करता है तो इसको देखने के लिए आ गया। तो अब ये विचार करना चाहिए कि भगवान एक मिनट में आ गए, तो वैसा भाव हो जाए तो हमारे लिए भी भगवान आ सकते हैं, तो हम लोगों को वैसा भाव बनाना चाहिए जिस किस प्रकार से बने ऐसा भाव बनाना। कोई महात्मा के भी तुम्हारे को तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी किंतु अंत समय में होगी, तो कह दियो महात्मा की अंत समय में होगी
तो फिर क्या अपने तका तो कभी होगी तो सही ना ही जन्म होगी। तो अपने बढ़ियानंद की बात है, जन्म होगी तो जल्दी होगी। मारते हुए विश्वास हो कि मैं मालूम कितना जन्म धारण करना पड़ेगा, ऐसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो अपना तो बेड़ा पार हो गया। तो वो मैं प्रसन्नता में लेकर के मुग्ध हो जावे तो फिर ऐसे जन्म के अंत की बात नहीं, बात तो समझो कि म्याद टूट जावे और तुरंत भगवान आ जावे। वर्तमान की स्थिति के अनुसार यह बात कोई महात्मा कह देंगे अंतकाल भगवान की प्राप्ति हो गई तो बात परिस्थिति देख रखे, परिस्थिति बदल जावे, अवस्था बदल जावे तो फिर इतना विलंब होने कोई आवश्यकता नहीं। तो उनको जो संकेत है या उन्हें को जो हाव भाव है उनको जो एक इशारो है ये सभी एक प्रकार से अपने कल्याण करना है। अपने तो उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए भी ऐसे मौकों भी है। आज्ञा जो है वो मिलगी उसकी तो फिर बात ही क्या है, और अपने मन में फूलना हो गई उन्हें सेवा करने के विषय में, आज्ञा पालन के विषय में, नमस्कार के विषय में, तो वह एक एक चीज ऐसो अपनी बड़ी दामी है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले की।